अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो अगेन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त मेकिंग जो है रमज़ान सीरीज मलाई चिकन कांडी। ये आपको हर स्टॉल्स पे मिलती है और इसे केटर किया था राजधानी केटरर्स ने। सो गाइस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चिकन ले लेना है, 1 kg चिकन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो स्ट्रिप्स कट कर लीजिए, इसमें 1 teaspoon जिंजर पेस्ट, 1 teaspoon गार्लिक पेस्ट और 1 teaspoon ग्रीन चिली का पेस्ट, तीनों आपको 1-1 teaspoon डाल देना है। उसके बाद आपको डालना है नमक स्वाद अनुसार। ओके, 1 teaspoon इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon इसमें जाएगा वाइट पेपर पाउडर, ना हो तो ब्लैक पेपर यूज़ कर ले, 1 teaspoon तंदूरी मसाला पाउडर, 1 teaspoon चाट मसाला पाउडर, 3 teaspoon फुल भर के इसमें जाएगा आपका क्रीम, 3 teaspoon फुल भर के जाएगा इसका मेयोनीज, 3 teaspoon फुल इसमें जाएगा आपका दही और इसमें जाएगा 2 अंडे। ठीक है, 1 kilo में 2 अंडा जाएगा और 1/2 cup इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो मैदा यूज़ कर लीजिए आप। ठीक है, इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद आप एटलीस्ट इसे 1 घंटा रखें, 1 घंटा। ठीक है, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कहीं पे भी कॉर्नफ्लावर ऐसे ही ना रह जाए, वाइट ना रह जाए। आपको बहुत अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है अराउंड 10 मिनट तक, क्योंकि ये थोड़ा हैवी रहता है मिक्सिंग में। अब ये जो स्टिक्स है ये मार्केट में अवेलेबल है, अभी तो खैर रमज़ान पूरा ख़त्म होने आया है तो हर एक के घर पे ये स्टिक्स रहता ही है। स्कीवर्स को आप रख दीजिए पानी में 10-15 मिनट के लिए, ताकि जब आप तेल में इसे डालें फ्राई करते वक्त तो ये जले ना। ओके, सिर्फ 10 से 15 मिनट डालें, इनफ है। एक स्कीवर्स में 3 बोटी आ जाएगा। अब यह है ब्रेड क्रम्स। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पैनको के अलावा और कोई ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं क्या। सो मैं प्रिफर करूँगी नहीं, बिकॉज़ इसका जो टेक्सचर है, क्रिस्पीनेस है, वो कोई भी ब्रेड क्रम्स में नहीं है। पैनको का यूज़ करें, बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। रमज़ान में तो हर जगह आपको ये अवेलेबल मिलेगा, सुपरमार्केट में, मुंबई का मैंने आपको बताया है, क्रॉफर्ड में मिलता है। सो कोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से और पैक कर लीजिए। ठीक है, जैसे इन्होंने पैक किया है ना ब्रेड क्रम्स, ताकि ये फ्लैट हो जाए। ये फ्लैट इसलिए करते हैं ताकि तेल में ये प्रॉपरली फ्राई हो। ओके, उसको पैक करने के बाद आप रख दीजिए साइड में। ये स्टेज पे आप इसे फ्रीज कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 15-20 days के लिए जिप लॉक बैग में। अब अंडे में डिप कर लीजिए, अंडे में थोड़ा नमक डाल दीजिए आप, डिप करके सिर्फ डिप फ्राई कर लीजिए। ये शैलो फ्राई ऐसे सब नहीं होता है, आपको डीप फ्राई करना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप आपको ये मेकिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करें, ज़ैनब कुक हाउस को आगे बढ़ाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ।